इसके अगेंस्ट या इसके अलावा दूसरी फिलोसॉफी आई वो थी बेंथम जेरेमी बेंथम एंड जॉन जॉन मिल दोनों लोग दोनों की मानी जाती है जिसको बोलते हैं यूटिलिटी यूटीलिटेरिनियज ओके मतलब क्या उपयुक्ततावाद उपयुक्तता किसी भी चीज की उपयुक्तता क्या है वॉट इज द यूटिलिटी ऑफ सम डिसीजन उससे क्या मिलेगा ओके okay, उससे क्या इफ इट इज ब्रिंगिंग गुड इट इज एथिकल डिसीजन इफ इट इज नॉट ब्रिंगिंग गुड इट इज अनएथिकल डिसीजन बट गुड ऑफ वॉट वो बोलते हैं उनका एक वर्ड है ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर दिसम ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला जिस डिसीजन से आएगा वो वो हो जाएगा एथिकल डिसीजन सो एथिकल डिसीजन का ये डिफिनेशन है किसका एथिकल डिसीजन का ऑन द बेसिस ऑफ एथिकल डिसीजन इज कॉल्ड एथिकल इफ इट इज डन इन माइंड ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर्स ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला हो तो वो डिसीजन एथिकल हो जाएगा अभी आपने यू माइट ऑब्जर्व दिस दिस इज वेरी डिफरेंट देन वॉट कंट हेट सेड अकॉर्डिंग टू कांट इट्स नॉट अबाउट वॉट यूटिलिटी वॉट रिजल्ट वॉट एंड इट कम्स विथ According to Kant, something is ethical only because it is ethical. It is according to the categorical imperative, it, it is proven to me that it is ethical, it is a it is a force inside from from inside me, and you can't ob, disobey it. Whatever may be the result. Because you don't know what the result will be. You may envisage the result.

मतलब उसका कंसिक्वेंस क्या आता है उस पर डिपेंड करता है इसलिए वो है। ओके, okay, मतलब उसकी यूटिलिटी क्या है तो ये मतलब एंड की बात करता है ये यूटिलिटी की बात करता है ओके okay, ठीक है दोनों मतलब सेम ही है कोई भी अगर गुड रिजल्ट गुड मतलब ये ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर है तो वो एथिकल एक्ट हो गया ठीक वेइंग फॉर द प्लेजर एंड पेन अर हा ग्रेटेस्ट गुड गुड मतलब क्या है गुड का मतलब यह है कि लीस्ट पॉसिबल पेन ओके एंड मैक्सिमम पॉसिबल प्लेजर दैट इज उनका माइनस प्लस करके जितना आएगा वो गुड में आएगा तो जितना प्लेजर ज्यादा और पेन कम उतना गुड ज्यादा वो लॉजिक है उनका हैप्पीनेस इज सुप्रीम एकदम सुप्रीम स एंड हैम अगेन ग्रेटेस्ट मैं ये करने से बहुत लोगों का कितने लोगों का भला होगा लाइक like दैट मैं अगर एक्स चीज करूं तो दो लोगों का नुकसान होगा और छह लोगों का अच्छा होगा तो ये इथिकल हो गया ठीक जैसे अगर होता है कभी कभी कि मैं अगर ये आपको क्लासिक एग्जाम्पल्स पता है जैसे कि ट्रेन जा रही है एंड देर आर देर इज यू नो ऑन सेम ट्रैक ऑन विच ट्रेन इज गोइंग टू गो उसी ट्रैक पे कोई दो बच्चे खेल रहे हैं साइड वाले ट्रैक पे छह सात वर्कर उसको रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि वो ट्रैक काम पे नहीं है उसको रिपेयर चल रहा है और ये वाला ट्रैक जो है उस पर बच्चे खेल रहे हैं बट वो रनिंग लाइव ट्रैक है आपके हाथ में ये करने का मौका है इधर यू टेक राइट और लेफ्ट बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू सेव टू चिल्ड्रन यू रन ओवर सिक्स सेवन पीपल और यहाँ पे सिक्स सेवन पीपल है सिक्स चिल्ड्रन है वहाँ पे दो लोग काम कर रहे हैं तो सिक्स बचाने के लिए आप वहाँ गए सो विच वुल बी यूअर हाउ एथिकल डिसीजन इज डिसाइडेड ऑन वॉट बेस द डिसीजन एथिकल दोनों की अलग अलग थेरीज है तो उस केस में जैसे अगर यहाँ पे छह बच्चे खेल रहे हैं और वहाँ पे एक बंदा अपना काम कर रहा है तो आप क्या करोगे कांट बोलेगा सिंपल बात है कि इस रो गाड़ी को इसी ट्रैक से जाना था वही लॉजिकल है और उसी ट्रैक पे गाड़ी जाएगी अगर ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो ये यहाँ पे उनकी गलती या पेरेंट्स की गलती या जो भी है उसके कारण है उसकी सजा उसको नहीं दे सकते बट बैंथमेन मिलकर बोलेंगे नहीं नहीं यहाँ पे छह सात लोग और वो भी बच्चे हैं क्योंकि बच्चे ज्यादा जिएंगे वहां पर शायद रिटायरमेंट पे आया हुआ कोई बंदा है जो उसको रिपेयर कर रहा है तो उधर ले जाओ वो एक बंदा मरेगा लेकिन कम से कम छे बच जाएंगे सो so, यही तो दिक्कत है तो वेन एवर सच सिचुएशन कम्स दीज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू इन फ्रंट ऑफ इच अदर एंड ऑनटोलॉजिकल अप्रोच टू एथिक्स और ड्यूटी अप्रोच टू एथिक्स सो ये हमारे ब्रेन स्टॉमिंग के लिए है सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना पड़ता है ओके पॉलिसी जनरली बनती है ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर से ही बनती है बिकॉज गवर्नमेंट पॉलिसी का इनरेंट नेचर इज दैट इट कैनॉट बी beneficial to each and every person in the same way so you have to take into consideration what is majority what is this uh, what is uh, the output what kind of output this particular decision is going to bring because accordingly it will help people sorry so greatest good to your policy uh, this particular policy you have to go through then you apply utilitarian approach but when it comes to like for example, you know there are six criminals or six people who have done something. Uh, will you kill one person who have not done anything? No, you will say no, it is injustice. So injustice and all those concepts come from Kants point of view. Kant, not justice is uh, first and foremost, it starts with assuming undoubtedly the inherent worth of every individual. Here here, अ नंबर हमेशा देखना ह्यूमन बींगी in उसकी वर्थ इनफाइनाइट है सबकी इनफाइनाइट है।, है सबकी सेम है मतलब इनफाइनाइट है जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते नंबर में ऐसा नहीं है नंबर में हंड्रेड हंड्रेड इज ऑलवेज बिगर देन फाइव बट वेन इट कम्स टू वर्थ it is not like that 100 into infinity because every human being has infinite worth 100 into infinity is also infinity 5 into infinity is also infinity so you cannot kill one person only for to save five no it depends on who is uh, because five ka worth bhi utana hi hai jitna one ka hai that is deontological approach and according to the bentham and mill no you have to kill uh, if you are required to kill five it's okay if you are saving 100 okay that is why murder is okay if it serves larger purpose. There is a capital punishment. You kill somebody so that tomorrow because of that what happens is uh, this capital punishment it uh, helps others to be deterrent and it helps others to feel that uh, law justice has been prevailed. But Kant says no, that is not the case. Same thing I think, uh, Just same thing just a repetition we are doing. ओके सो वन इज डिओंटोलॉजिकल अप्रोच किसका है ये अप्रोच कौन है इमेन्युअल कांट ये जर्मन है एंड ये बेंथम एंड मिल ये ब्रिटिश है दोनों ठीक है सो दिस इज मोर आइडियलिस्टिक And this is more pragmatic or practical. Anyway, this is just additional points. So, here logic is duty. I am motive is duty. It, it's my duty and I will do it. Here, motive is greater good. Yapi means very important. You cannot do something which is wrong, means has to be ethical.

Or basic reason behind the action is categorical imperative, and here it is self and others interest. Okay, so this is how they both differ from each other. You need to understand one thing. They may ask the difference between the two. Yes, they are different. They are different on very uh, uh, same common platforms. But you need to understand one thing for deontological also to have a set of to have a set of values somewhere its utility is to be proven to you over the period of time that's why it is established like honesty why honesty is considered one of the categorical imperatives of <laughs> kant because

that you need to do like take example of patriotism now if patriotism is considered as virtue it's a very important duty wo kahan se bani hai duty this has come through the process of utility that patriotism has always worked for betterment of public in general that's why this has become part of categorical imperative or logical thing to do